मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची को 665.69 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली शहर की तीन बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने पथ निर्माण विभाग की ओर से सिरम टोली स्थित सरना स्थल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में परियोजनाओं शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में पथ सचिव सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने सिरम टोली फ्लाईओवर का शिलान्यास किया, जो सिरमटोली चौक से होते हुए पटेल चौक और राजेंद्र चौक होकर मेकन गोल चक्कर तक जाएगा। इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में लगभग कुल 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके निर्माण का कार्य एलएनडीटी को दिया गया है। सीएम आज विकास से नामकुम जाने वाले 4 लेन सड़क का भी शिलान्यास किया, जो विकास से होकर बूटी मोड़, कोकर चौक और कांटा टोली चौक होते हुए दुर्गा सोरेन चौक नामकुम तक जाएगी। इस सड़क की कुल लंबाई 15 किलोमीटर है। 4 लेन का निर्माण 129 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा 4 लेन के बीच में डिवाइडर का भी निर्माण किया जाना है। इस सड़क के बनने के बाद लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सीएम ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ तक जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने के काम भी शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण 197 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। सड़क का चौड़ीकरण होने के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक सुचारू हो सकेगा। फिलहाल इस सड़क के आधे हिस्से को वन वे कर दिया गया है, जिसके चलते दूसरी वैकल्पिक सड़क पर गाड़ियों का बोझ पड़ गया है, जिसके कारण इस सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। आज यहाँ सिरम टोली के इस सरना स्थल प्रांगण में पथ निर्माण विभाग की तरफ से फ्लाईओवर और सड़कों के शिलान्यास कार्यक्रम में आज तो हम लोगों ने ये शिलान्यास कार्यक्रम रखा है। बहुउद्देशीय योजना के रूप में हमने इस योजनाओं को देखा है। बहुत विचारों प्राण राज के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रह रहा है। आप सबको मालूम है हमारे इस शहर के बीचों बीच रेल लाइन गुजरती है और इस रेल लाइन से को इस रेल लाइन को पार करने के लिए हमारे इस शहर में गिने चुने फ्लाईओवर हैं। एक जो हम सुजाता चौक के रूप में जानते हैं, एक डिब्बी पुल के बारे में जानते हैं, कुछ नामकुम साइट में एक आध पुल है, ओवर ब्रिज है और सुजाता चौक पुल तो इतना पुराना हो चुका है, कई बार इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की भी खबरें आती रही है और ये संयोग ही नहीं, और मुझे पूरा विश्वास उम्मीद है कि ये समय से जो समय हमने लक्ष्य तय किया है हमारी उससे भी कम समय में बनाने का हम लोगों ने संकल्प किया है, ताकि इसका लाभ आम नागरिकों को जल्दी से जल्दी हम दें। इसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता आवश्यक है। बहुत कम से कम जमीन अधिग्रहण करने का इन योजनाओं में सरकार ने प्रयास किया है। जहां कुछ बहुत ज्यादा घनत्व है लोगों का, आवासों का, वहां थोड़ा सा जरूर शहर में लैंड एक्विजिशन के विषय बने रहते हैं, लेकिन
ये जमीन अधिग्रहण सरकार आप अपने लिए नहीं कर रही है, ये जमीन अधिग्रहण आपको मुआवजा देकर आप ही के लिए व्यवस्था बना रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।